हाजी नो दोस्तों धनात एक और नई वीडियो हाथ है और वीडियो में लेन आई हूँ आप बात सैमसंग रो A9 एंड सैमसंग गैलेक्सी A9 फोन जो हाल ही में अब लॉन्च कर दियो है। इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम में लॉन्च हो जाए वाला, लेकिन इरा हैला चार कैमरा एंड जो रियर कैमरे हैं वो है चार। और इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि क्या है इस फोन की खास बातें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद, आप देख रहे हैं टेक्निकल राजस्थानी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें इस फोन की, तो इस फोन के अंदर मिल जाएंगे आपको तीन तरह के कलर जिसे आप ले सकते हैं। तो पहला सैमसंग कहती है उसका नाम है बबल पिंक कलर, और दूसरा है लेमिनेट ब्लू कलर, और तीसरा आप सभी जानते हैं स्टैंडर्ड ब्लैक कलर। जो तीनों में ये खास खास अलग अलग है, और इसके पीछे ग्लास भी लगा रखा है बैक कवर के पीछे। और जो इसकी मेन बात ये आती है, जो इसके फोन का हाईलाइट है वो इसके पीछे के चार कैमरे, जिसके अंदर आपको वाइड एंगल मिल जाएगा और डेप्थ सेंसिंग का मिल जाएगा, और एक स्टैंडर्ड का भी कैमरा बनाया रखा है। तो इसके अंदर आपको मिल जाएगी 3800 mAh की बैटरी, हालांकि कम है लेकिन चल जाएगी। जो और इस मेन बात है जिससे आप फोन को कर सकते हैं फास्ट चार्ज, तो आपको इसके अंदर मिल जाता है सैमसंग के अंदर जो चार्जिंग का पोर्ट होता है सी टाइप पोर्ट। जो अगर बात करते हैं हम स्क्रीन की, तो आपको मिल जाएगा 6.3 इंच का ये फोन 18:9 रेशियो के साथ। जो इसके अंदर वो कलर मिलते हैं हमको फोन के, सैमसंग के हर फोन के अंदर हम जो स्क्रीन है ब्लू कलर की मिलती है अंदर से, वो देखने में बहुत मजा आता है फोन को चलाने में भी। जो अगर हम इसके फिंगरप्रिंट के बारे में बात करें, तो इस बार फिंगरप्रिंट कर दिया कुछ चेंज, यानी सैमसंग गैलेक्सी A7 था जो दे रखा था पावर बटन के साथ, लेकिन इसके अंदर ये आपको बैक कैमरा, जो कैमरा है उसी के पास में ये दे रखा फिंगरप्रिंट का स्कैनर। बात करते हैं इस कैमरे के बारे में, तो आपको चार कैमरे मिलते हैं। जो पहला कैमरा है वो है करीबन 8 मेगापिक्सल का, यानी 8 मेगापिक्सल का जो 120° फील ऑफ व्यू के साथ मिलता है अल्ट्रा वाइड के अंदर, 2.5 का अपर्चर है। जो दूसरे नंबर पर कैमरा आता है वो है 10 मेगापिक्सल का, जिसके अंदर आपको 2x का ऑप्टिकल जूम मिल जाएगा। और तीसरे नंबर पर कैमरा आता है जो मेन कैमरा है वो है 24 मेगापिक्सल का, और जिससे ये सैमसंग बोलती है कि आपको जो लो लाइट के अंदर है फोटो अच्छी मिल सकती है। तो लास्ट कैमरा आता है वो 5 मेगापिक्सल का, जिसके अंदर डेप्थ सेंसिंग कर सकते हैं, यानी इधर उधर का पूरा ले। बात करते हैं फ्रंट का कैमरा, तो है 24 मेगापिक्सल का 2.5 अपर्चर के साथ, और जिसे आप ले सकते हैं बहुत बढ़िया सेल्फी, चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो, आपको मिलने वाली है बहुत शानदार सेल्फी इस फोन से। अगर हम बात करते हैं इस फोन के वेरिएंट्स, यानी आपको 6GB और 8GB दोनों में मिल जाएंगे, लेकिन इसके जो इंटरनल मेमोरी होगी वो दोनों में सेम होगी, 128GB का दोनों में आपको इंटरनल मेमोरी लेनी पड़ेगी या मिलेगी आपको। जब इसकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो आपको ये करीबन नवंबर के अंदर रिलीज हो जाएगा, और जो इंडिया की बात करें तो नवंबर के महीने में भी आपको ये दिख जाएगा। तो चलते हैं एक नए वीडियो के अंदर। अगर फ्रेंड्स आपको इस फोन के बारे में कुछ खास लगा हो, और आपको ये जो कैमरे हैं वो कैसे खास लगे, क्या हमारे ये कैमरे यूजफुल है, या और भी ज़्यादा कैमरे वाले फ़ोन आ सकते हैं, तो वीडियो के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो अगला कैमरा, जो पीछे का कैमरा, ये कलर कैसा लगा आपको, वो भी सारे वीडियो के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताना। बनना मारो के।